भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पीयूष मिश्रा ने भिलाई नगर विधायक पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टाउनशिप के निवासियों को उनके आवास के लीज डीड का पंजीयन करवाकर लोगों को गुमराह करने व उनके सामने एक बार फिर झूठ परोसने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस लीज डीड के पंजीयन से केवल शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी, लीज धारकों को इससे कोई भी विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। पत्रकार वार्ता में पार्षद पीयूष मिश्रा ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में सवाल यह है कि इस पंजीयन के आधार पर मॉर्गेज किया जा सकता है क्या? क्या लीज डीड का पंजीयन होने से लीज धारकों को आवास और जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा? पूरे मामले की जानकारी पत्रकार वार्ता में पार्षद पीयूष मिश्रा ने कुछ इस प्रकार से दी। देखिए, वो लीज धारकों की रजिस्ट्री नहीं है, वो लीज डीड का रजिस्टर्ड कर रहे हैं और उसका ये लोग राजनीतिक पदों पर यहां जो बैठे लोग हैं वो चुनाव में अपने उसको पुराने वादे को जो उन्होंने बोला था कि हम लीज ले आएंगे उसको छुपाने के लिए उसको रजिस्ट्री बता रहे हैं। ये लीज डीड का रजिस्टर्ड करना है। जब कोई भी एग्रीमेंट 11 महीने की अवधि से ऊपर हो जाता है तो रजिस्ट्रार के यहाँ वो निर्धारित शुल्क देकर के हमको उस डीड का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन उसका रजिस्टर्ड होता है। कोई भी बैंक, कोई भी बड़े संस्थान, कोई भी बड़ी कोचिंग, ऐसे बड़े संस्थान जब आते हैं तो वो जब किसी के साथ किराए का एग्रीमेंट करते हैं तो उसका रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराते हैं ताकि कल को वो दोनों अपने अनुबंध से पीछे ना हट पाएँ। ये बस वो ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इससे लीज धारकों को कोई लाभ नहीं दिख रहा है, बल्कि बार बार जो SDM कोर्ट से जो प्रतिवेदन बना है उसमें बार बार इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस लीज डीड को रजिस्टर्ड ना करने से सरकार के रेवेन्यू के करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ये केवल रेवेन्यू के वसूलने के लिए किया जा रहा है, लोगों को हित में रख करके, लोगों के लिए सोच करके ये कोई निर्णय नहीं है। और मेरा 6 प्रश्न मैंने किए हैं अखबारों के और सब न्यूज़पेपर के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, वो 4 जन लोग यहाँ के जिम्मेदार लोग जिसमें विधायक और महापौर हैं, साथ में BSP के CEO हैं और कलेक्टर हैं, दुर्ग जिला कलेक्टर, ये लोग अपने बयान में जारी करें कि क्या वो लोग मालिकाना हक प्राप्त करेंगे, क्या उनकी संपत्ति, वो जैसे भिलाई नगर निगम अपने प्लॉट को बेचता है तो उसके मालिकों को अपने संपत्ति को मॉर्गेज रखने का या खरीदी बिक्री करने का अधिकार मिल जाता, क्या उन लोगों को मिल पाएगा? क्या वो लोग अपने संपत्ति के मालिक हो पाएंगे? क्या जो उनका परिवार बढ़ने के बाद जो अतिरिक्त निर्माण वहाँ पर लोगों ने किया है अपने परिवार के सदस्यों के बढ़ने के कारण, जो 2-3 कमरे बना लिए, क्या उसका निमितीकरण होगा? और क्या आज की डेट से जिनकी रजिस्ट्री हो रही है 30 वर्षों के लिए उनकी रजिस्ट्री मान्य होगी? अगर नहीं होगी तो आपके द्वारा बताया गया सारा का सारा मिथ्या है, इसको हम बिल्कुल निनाई करते हैं। और ऐसा झूठ भिलाई की जनता के सामने परोसा नहीं जाना चाहिए। भिलाई की जनता आप समझ रही है, उनको बार बार लीज और रजिस्ट्री के नाम पर केवल धोखा दिया जा रहा है। और भिलाई के लोगों को जाकर के हम इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, उनको अवगत कराएंगे, उनको बताएंगे उनके साथ बार बार ये विश्वासघात किया जाए। देखिए क्या होता है, बहुत साधारण लोग जो हैं वो अपने ड्यूटी पानी और अपने परिवार के बीच उलझे रहते हैं। कानूनी एग्रीमेंट, कानूनी जो भाषा होती है उसको हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि मुझे भी समझने में समय लगा। मैं भी 4 लोगों के पास गया उस लीज डीड की शर्तों को और जो SDM कोर्ट का जो प्रतिवेदन आया था उसको और उसकी पूरी जानकारी को समावेश करके मेरा जो निर्णय आया उस पर आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो जब हम लोग जो रोज़ लोग ऐसे डॉक्यूमेंट को देख करके भी एक बार में उसको नहीं समझ पाते तो साधारण लोग इन चीज़ों में नहीं रहते, इसलिए उनके सामने इस बात का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है कि एक्चुअली ये है क्या।